बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू डॉक्टर खुशबू के नाम चैनल। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, वाइटनिंग बॉडी पार्ट्स। मोस्टली कमेंट्स मुझे इस पे रिसीव हो रहे थे कि कोई इस तरह की वीडियोस हों जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो और इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो, लॉन्ग यूज़ भी ना हो, लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद भी इसके इफेक्ट ना आए। इस तरह की आपने कोई क्रीम्स बतानी है तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तौर पर आपने अपने माइंड में एक बात रख लेनी है कि कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स बाकी बॉडी के निस्बत थोड़े से डार्क होते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पर मेलानिन एक हार्मोन्स है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो वो पार्ट जो आपको वाइट दिखते हैं। अब हमारा टारगेट क्या होता है कि अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको वाइट करने के लिए, बेसिकली हमारा मेन टारगेट ये है रिड्यूस द मेलानिन प्रोडक्शन, उस एरिया के अंदर मेलानिन के प्रोडक्शन को कम किया जाए। उसके लिए बहुत सारे तरीके, लेकिन जस्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली क्रीम्स। बॉडी के वो पार्ट्स जो रिजिड्स हैं लाइक एल्बोज, नीज, एंकल्स, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पिग्मा नॉर्म क्रीम, हाइक्यून क्रीम 4%। सेंसिटिव एरियाज, प्राइवेट पार्ट्स लाइक अंडर आर्म्स, ग्रोइन एरिया, उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाइक्यून 2% क्रीम, अल्फा प्लस क्रीम, सॉ स्किन क्रीम। ये कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है? ये आपको नॉर्मल रेंज में ये और आम फार्मेसी पे भी ये अवेलेबल होते हैं। अब बात आती है कि हमने परचेज तो कर लिया, अब इसको यूज़ कैसे करना है? आपने यूज़ करना है फॉर अल्टरनेट डेज के ऊपर, एक दिन छोड़ के एक दिन, और 3 to 4 months के लिए इसको यूज़ करें। और जिन लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं लाइक आपको एलर्जी हो रही है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस सूरत में आप इसको कभी भी इस्तेमाल ना करें, डिसकंटिन्यू कर दें। इन क्रीम्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, अब इनको यूज़ करके देखिएगा, देन कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ओके, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें ताकि उन सबका भी फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।